आज की रेसिपी है मूंगफली की स्वादिष्ट और आसान से हलवा। व्रत में इसे बनाएं और खाएं। बहुत ही कम खर्च में ये प्रोटीन की भरपाई करेगी और आपको एनर्जेटिक बनाए रखेगी। तो फटाफट शुरू करते हैं। एक कटोरी बिना छिलका वाला मूंगफली लें और आधा घंटा के लिए पानी में भिगोकर रख दें। आधा कटोरी चीनी लें और 3-4 छोटी इलायची के साथ ग्राइंडर में ग्राइंड करके चीनी का पाउडर बना लें और ले लें आधा कटोरी दूध। और अगर आप चैनल में न्यू हो तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही न्यू रेसिपी सबको मिलती रहे। आधे घंटे बाद मूंगफली को छान लें और थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। पहले थोड़ा ही दूध डालें तो अच्छे से ग्राइंड हो पाएगी। पहली बार में थोड़ा दरदरा सा है, थोड़ा और दूध डालें और इसका मुलायम पेस्ट बना लें। हाफ़ ग्राइंड हो चुकी है, इसे एक बोल में निकाल लें और बाकी हाफ भी इसी तरीका से ग्राइंड कर लें। पेस्ट को बारीक करने के लिए अगर थोड़ा और दूध का ज़रूरी हो तो ऐड करें। यहाँ पे पूरा पेस्ट तैयार है। कढ़ाई में ऐड कर दें 2 चम्मच घी और पूरा पैन में फैला लें। और घी गर्म होते ही फ्लेम को कर दें बिल्कुल लो और बादाम वाला पेस्ट ऐड कर दें और लगातार चलाते हुए उसे कुक करें। फ्रेंड्स, नवरात्रि के अवसर पर हमें हर रोज़ ऐसा कुछ खाना होता है ताकि व्रत में भी हमारे शरीर टूटे ना और शरीर में एनर्जी बनी रहे। लगातार चलाएं और लगे कि पैन में सट रही है तो बस 1 चम्मच घी ऐड कर दें। इस हलवे में हमें बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरी नहीं होती है, ऊपर से हमें बैचेस में ऐड करना है। लो मीडियम फ्लेम में कुक करते हुए हमें 10 मिनट हो चुके हैं। लगातार चलाएं ताकि नीचे सट ना पाए। 1 चम्मच घी और भी ऐड कर दिए, टोटल 4 चम्मच घी हुई। ये डो फॉर्म में आ चुकी है, बादाम अच्छे से भून चुकी है। इस स्टेज में ऐड कर दें चीनी। चीनी ऐड करके अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएं। चीनी जैसे ही पिघलेगी ये फिर से थोड़ा गीला हो जाएगी। और भी 10 मिनट लो मीडियम फ्लेम में कुक करें। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई लगे तो 1 चम्मच घी और ऐड करें। और देखिए अच्छे से डो फॉर्म में आ चुकी है, पैन को छोड़ रही है। इस स्टेज में आप गैस को बंद कर दें और पराठा के साथ गर्मा गर्म खाएं, या फिर इसे थोड़ा अधिक मात्रा में बनाकर 2-3 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। एक ट्रे को ग्रीस करके हलवे के उसमें सेट करें, आधा घंटा फ्रीज करें और फिर मनचाहे बर्फी या फिर स्क्वायर शेप में काट लें। ऊपर से मैंने मेलन सीड से गार्निश कर दिया है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, रेसिपी अगर पसंद आए तो एक लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में वीडियो शेयर करें और ऑल बटन प्रेस करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही न्यू रेसिपी सबको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन, गुड बाय।